नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंघाड़ा खाने के नुकसान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों त्रिकोण आकार का फल जिसका नाम सिंघाड़ा है, इसके अपने कई फायदे तो सुने होंगे, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन आपको परेशानी में भी डाल सकता है। तालाब के पानी की सतह पर तैरने वाला सिंघाड़ा एक जलीय शाकीय पौधे से निकलता है। इसके कांड टेढ़े मेढ़े आकार में होते हैं। खाने में इसका स्वाद फीका होता है। सिंघाड़ा मधुर ठंडे तासीर का छोटा रूखा होता है, जो कई तरह की बीमारियों में फायदा करता है। मगर यहाँ पर हम आपको सिंघाड़ा खाने के नुकसान के बारे में बताएंगे। दोस्तों सिंघाड़े का सेवन बहुत से लोग करते हैं और इसका सेवन हर दिन करें, लेकिन सही मात्रा में, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन नुकसानदायक होता ही है। सिंघाड़ा शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला मौसमी फल है, जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में पाया जाता है। भारत में सिंघाड़े की खेती मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती है। वैसे तो आपने सिंघाड़ा खाने के कई फायदे सुने होंगे, लेकिन इसे खाने के नुकसान के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। दोस्तों आइए जानते हैं सिंघाड़ा खाने के नुकसान के बारे में। नंबर एक, सिंघाड़े का सेवन के बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, वरना खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। नंबर दो, दिन भर में अगर आप 2 से 3 सिंघाड़ा खाते हैं तो ठीक, लेकिन अगर इससे ज़्यादा खाते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र पर असर डालता है। इससे लूज मोशन होने की संभावना होती है। नंबर तीन, बहुत से लोगों को सिंघाड़ा खाने से पेट दर्द, आंतों में सूजन और कब्ज जैसी समस्याओं की शिकायत हो जाती है। इसलिए अगर आपको पहले से सभी परेशानियां हैं तो सिंघाड़े का सेवन बिल्कुल न करें। नंबर चार, उबले हुए सिंघाड़ों को बहुत से लोग खाते हैं, लेकिन इसका सेवन अत्यधिक करने से बचें, क्योंकि उबलने के बाद इसमें से कुछ पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। नंबर पाँच, अगर आपको पानी में उगने वाले फलों से परहेज है तो सिंघाड़े का सेवन बिल्कुल नहीं करें, वरना आपको इससे एलर्जी हो सकती है। साथ ही अगर सिंघाड़ा जरा सा भी खराब है तो पूरा फेंक दें, क्योंकि वह नुकसान करता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।